नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बोस और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट 2-3 हफ्तों से मैं मतलब वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है कि गया, तो नहीं हूँ, लेकिन ये हो गया है रिसेंटली। तो मैं व्लॉगिंग करते टाइम मुझे इधर पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बाद में पता चला कि लैब्रम टियर है, तो इसीलिए ये हो रहा है। तो फिलहाल सर्जरी तो हो गया है, लेकिन अभी मैं रिकवरी फेज़ में हूँ और लास्ट 3 हफ्तों से मैं ये स्लिंग में हूँ, तो एडिटिंग तो नहीं हो रहा था मुझसे। तो फिलहाल अभी से थोड़ा बहुत बेटर हूँ, तो मैंने एडिटिंग करना अभी स्टार्ट कर दिया है। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा, ये वाला जो अभी शूट कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में लौटते हैं। तो ये वीडियो एकदम ही रॉ रखने वाला हूँ मैं, मतलब रिव्यू वीडियो तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इसके बारे में अलग से रिव्यू क्या ही करूँ। तो ये वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फर्स्ट लुक और कैसे ये प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं। बाकी चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूँ। ऑब्वियसली बात है कि ये गेमिंग टेबल है, तो उसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो टेबल का जो टॉप पोर्शन है वो डेंसिटी फाइबर बोर्ड से बना हुआ है, जिसके ऊपर एक PVC सरफेस है, तो ईजिली अच्छा खासा वेट तो सह ही लेगी। तो आप दो मॉनिटर तो अच्छे आराम से रख सकते हो मुझे लगता है। और ये जो देख रहे हैं, ये टेबल गेमिंग टेबल के साथ एक्सेसरी बॉक्स दिया है। एक अच्छा चीज है कि टेबल के साथ आपको, जैसे देख सकते हो, स्क्रूड्राइवर भी मिल जाता है, तो आपको मतलब असेंबल करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, स्क्रूज एंड ऑल तो ये सब तो आएंगे इसके साथ, एक्सेसरीज के साथ। तो ये मैं इन डिटेल्स अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो आप देख ही सकते हो। हेडफोन और कप होल्डर भी आ जाता है इसके साथ, जो कि मुझे लगता है एक प्रॉपर गेमिंग टेबल का तो नेसेसिटी होता ही है ये वाला। পেছনে তোমার এই ট্রেটা গার্ড গুলো এগুলো इसके जो पहिए हैं वो कोटेड स्टील ट्यूब से बने हैं, और इसका जेड शेप डिज़ाइन इसको और ज़्यादा मजबूत बना देता है, ताकि गिरने के चांसेस मतलब एकदम ना के बराबर है। तो मेन चीज़ तो आप लोगों को बताना ही भूल गया कि इसका प्राइस कितना है, कि कितने का पड़ेगा आपको। तो मैं अमेज़न में चेक कर रहा था कि मोस्ट अफोर्डेबल गेमिंग टेबल जो हो सकता है, तो ये वन ऑफ द ऑप्शंस थे। और फिलहाल इसका मार्केट प्राइस है अराउंड 13-14,000। तो अगर आप लोगों को किसी को ये ख़रीदना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो लिंक से ख़रीदिए, थोड़ा बहुत हमको भी, थोड़ा एफिलिएट से थोड़ा बहुत हमको भी मिलेगा। तो लौटते हैं इस प्राइस पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 13-14 हज़ार, इसमें तो 2-3 ऐसा हम लोगों का जो पुराने वाले कंप्यूटर टेबल होते हैं वो आ जाएंगे। तो मुझे भी ऑनेस्टली मुझे भी ये लगा था, लेकिन ये आप किसी आपके गेमर दोस्त से पूछे, वो मुझे लगता है आप मेरे से अच्छा वो आपको आंसर दे सकते इस बात का।
एक खास चीज़ जो इस टेबल का है कि आप इजीली इसको असेंबल कर सकते हो, आपको अलग से टेक्नीशियन बुलाने का भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अरुण भाई और सुप्रियो भाई असेंबल कर रहे हैं इस टेबल को। तो जो 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 लोगों ने मेरा थाईलैंड सीरीज़ देखा होगा उनको अरुण भाई और सुप्रियो भाई तो मालूम होगा ही, और उनको मदद कर रहे हमारे और एक अजीज़ दोस्त और भाई इंद्रो। अरे अयन भाई और सुप्रिया भाई तो अलग लेवल के पढ़ाई कर रहे हैं। इतना पढ़ाई अगर बोझ में किए होते तो जरूर टॉपर तो बन ही जाते, लेकिन चलो उस बारे में तो कभी किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि टेबल हम लोगों का कब तक बनता है और कैसे बनता है। चलिए बने रहिए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं नियरली 90% असेंबल तो हो चुका है अपना टेबल। तो एक खास चीज़ जो आप लोगों को पहले तो नहीं बताया था लेकिन बताना तो था, तो अभी बता देता हूँ कि इस टेबल के साथ एक वायर मैनेजमेंट का सिस्टम भी आ जाता है। तो आप इजीली आपके जो एक्सेस वायर्स है वो आप मतलब इजीली मैनेज कर सकते हो। और साथ ही साथ इसका एक इसके साथ आ जाता है आपका RGB लाइट, जो आपका जो पावर्ड होता है आपके लैपटॉप के USB पोर्ट से। तो जैस मतलब उससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस तो एक अलग ही लेवल में चला जाएगा। तो अगर आप एक गेमर हो तो आप डेफिनेटली ये टेबल को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका बजट ज़्यादा हो तो मैं देख रहा था कि 1-1.5 लाख का भी टेबल मिलता है, जो मतलब जो खुद ही CPU ऐसा भी टेबल मिलता है, टेबल के साथ ही CPU, तो वो सब भी कंसिडर कर सकते हो, पूरा आपके ऊपर ही है। तो फिलहाल चलिए लौटते हैं अपने नॉट सो सस्ता बट जो अपना पास जो टेबल है नॉट सो सस्ता बट टिकाऊ टेबल। मालूम नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, कायन भाई अचानक मजदूरी से खुद ही सुपरवाइजर बन गए और बाकियों से काम कर रहे हैं। अच्छा खेल गए आयन भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए। और अगर आपको पास कोई सजेशन है या फिर कोई आइडिया है कि हम लोगों को नेक्स्ट कौन सा चीज़ या कौन सा गैजेट कुछ भी जो भी हो अनबॉक्स करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको फीचर करने को। अगर डायमेंशंस की बात करें तो एक कोने से दूसरे कोने तक ये लगभग 57 सेंटीमीटर का है, इसका विड्थ लगभग 120 सेंटीमीटर है और इसका हाइट 76 सेंटीमीटर के आसपास है, और अगर वेट पकड़ ले तो ये लगभग 22 किलो का है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोगों का टेबल फाइनली बन के नियल रेडी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छा है और स्टडी भी है,
कुछ एरियाज में प्लास्टिक तो यूज किया गया है, तो वो छोड़ के बाकी तो बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है।